मरे हुए किसान ने मांगी पीएम सम्मान निधि। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक किसान को सरकारी कागजों में मृत घोषित कर दिया गया, जबकि वो बिल्कुल स्वस्थ है और रोज अपने खेत में काम करता है। किसान का नाम कुलसी है और उसे अब तक 14 बार पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिल चुका था। 15वीं बार खाते में रुपये नहीं आए तो किसान अपनी शिकायत लेकर पटवारी के पास पहुँचा। इंदौर में बुधवार 9 अक्टूबर एक युवक को गरबा पंडाल से गिरफ्तार किया गया है। बालाघाट से लड़की का अपहरण कर आमिर खान नाम का शख्स इंदौर में गरबा खेलते पकड़ा गया। अमन नाम से आमिर खान गरबा पंडाल में घुसा था। हिंदू जागरण मंच की महिला कार्यकर्ता को शक हुआ। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने सख्ती से पूछताछ की तो युवक ने अपने नाम का राज खोला। युवक के फोन से कई लड़कियों के साथ अश्लील फोटो मिले, चैटिंग भी मिली है। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने कलेक्टर के नाम एसडीएम अनिल भाना को ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया गया कि जुलाई से सितंबर तक का 4% महंगाई भत्ते का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। इससे शिक्षकों में आक्रोश है। वे चाहते हैं कि दिवाली के पहले शिक्षकों को बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाए। राजधानी के औद्योगिक क्षेत्र बगरौदा से ड्रग्स का काला कारोबार संचालित करने वाले मास्टरमाइंड हरीश आंजना और सान्याल खाने ने भोपाल के पहले पीथमपुर की फैक्ट्री में ड्रग बनाने की तैयारी की थी। उन्होंने वहां फैक्ट्री तलाश भी ली थी और ड्रग बनाने का कच्चा माल भी मंगवा लिया था। हालांकि बाद में रसायन के विशेषज्ञ अमित चतुर्वेदी को अपने गिरोह में शामिल किया और भोपाल को ड्रग बनाने के लिए चुना था। 9 दिवसीय शक्ति उपासना के बाद दशहरा विजय महोत्सव है। इस दिन जया विजया व अपराजिता माता के साथ शमी वृक्ष के पूजन का विधान है। शमी वृक्ष विजय का प्रतीक है, इसलिए शमी वृक्ष के साथ शस्त्र का पूजन भी किया जाता है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर बने छोटे पुल के किनारे अपराजिता माता का अत्यंत प्राचीन मंदिर है। वहीं बहादुरगंज में अत्यंत प्राचीन शमी वृक्ष स्थित है। इंदौर के खजराना रोड पर सोमवार रात वर्ग विशेष के युवकों ने महिला वकील और उनके पति पर हमला कर दिया। आरोपितों ने गर्भवती वकील का गला दबाने की कोशिश की। वकील चिल्लाती रही कि मैं गर्भवती हूं, फिर भी आरोपित उनके पेट में मुक्के मारते रहे, जबकि उनके पति को एक तरफ ले जाकर बेल्ट से पीटा है। राजधानी भोपाल में ड्रग्स फैक्ट्री पकड़ाने के बाद पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। अब सभी फैक्ट्रियों की जांच की जा रही है। पुलिस ने सर्चिंग के लिए 6 टीमों का गठन किया है। जांच टीम में 10-10 सदस्य शामिल किए गए हैं। अब तक टीम 15 फैक्ट्रियों का सर्वे कर चुकी है। इस दौरान फैक्ट्रियों में मौजूद स्टाफ, मालिक, कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड सभी का डाटा जुटाया जा रहा है। हरियाणा में जलेबी को लेकर शुरू हुई राजनीति मध्य प्रदेश आते आते नियुक्ति तक पहुंच गई है। डॉक्टर मोहन यादव और सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया है कि झारखंड और महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होगी। कांग्रेस ने भी दावे पर जवाब दे दिया है। कांग्रेस ने विजयवर्गीय से सवाल पूछा है कि क्या उन्होंने पहले ही बटन दबा दिया है। रतन टाटा के निधन पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा है कि रतन टाटा के मूल्यों और सिद्धांतों ने करोड़ों भारतवासियों को प्रेरित किया है। सिंधिया परिवार और टाटा परिवार के पुराने पारिवारिक संबंध को भी उन्होंने याद किया। इनके योगदान भारत के उद्योग जगत में अद्वितीय रहे हैं। इंदौर की फेमस रंगोली आर्टिस्ट शिखा वर्मा ने अपनी अद्वितीय प्रतिभा से स्वर्गीय रतन टाटा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने उद्योगपति रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ऐसी रंगोली बनाई जिसे देखकर हर कोई हतप्रभ है। कलाकार शिखा शर्मा ने भी अलग अलग एंगल से रंगोली के साथ तस्वीरें खिंचवाई हैं। उन्होंने अपनी कला के माध्यम से रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित की है।